गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, चलिए आज हम कोशिश करेंगे आपको आदि सभी कमी मना महसूस हो। ठीक है ना बेटा, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे। लास्ट टॉपिक क्या था? तो देखिए ये जो टॉपिक का उन्होंने स्टार्ट किया था मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, है ना। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में जब आप पाएंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि दो तरह के हम टू टाइप्स ऑफ हार्मोन को देखा था, एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन और दूसरा वाटर इनसॉल्युबल हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है और दूसरा वाटर इन सॉल्युबल हार्मोन। वाटर सॉल्युबल हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो हार्मोन वाटर में सॉल्युबलाइज होते हैं, यानी कि इनका केमिकल नेचर कैसा होगा उस हार्मोन का, तो वैसे हार्मोन जो होंगे या तो एमिनो एसिड पे बने होंगे या फिर पेप्टाइड के होंगे या फिर वह प्रोटीन वाले हार्मोन। ओके, ये सभी हार्मोन जो होंगे वो किसमें, वाटर में सॉल्युबलाइज होने वाले होंगे। और वाटर इनसॉल्युबल हार्मोन की अगर बात करेंगे तो ये कितने भी स्टेरॉइड हार्मोन हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये सब केमिकल जब लिखाएंगे तो ये सब जो हार्मोन है वो वाटर इन सॉल्युबल है। तो जैसे ये स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, अब इन हार्मोन को सेल के अंदर, अगर ये एक हमारा सेल है, इस हार्मोन को बेटा सेल के अंदर एंट्री करने के लिए और इस हार्मोन को सेल के अंदर एंट्री करने के लिए क्या क्या लगेगा, तो आप जानते हो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बीच में यहां पर ये जो पार्ट है ये प्रोटीन का पार्ट हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, और यहां पर ये इसका रिसेप्टर्स हो गया, यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो लिपिड वाला पार्ट है तो लिपिड वाले लेयर को लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट आसानी से क्रॉस कर सकता है, यानी ऐसा कंपोनेंट जो लिपिड में सॉल्युबलाइज हो। तो स्टेरॉइड क्या है, लिपिड है, तो लिपिड जो है वो लिपिड में आराम से सॉल्युबलाइज होगा। ठीक, जैसे अभी आप सब जो कि B1 की क्लास चल रही है, दोनों का सेम टॉपिक चल रहा है, तो B2 वाले बच्चे आसानी से आगे बैठ सकते हैं, क्यों, दोनों सेम स्ट्रीम के, दोनों बायो के हैं, दोनों सेम क्लास के हैं, आसानी से मिक्सअप हो सकते हैं। लेकिन क्या JEE वाला आगे इसमें मिक्सअप हो सकता है?
नहीं, दोनों का नेचर अलग अलग है, स्ट्रीम अलग अलग है। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो लिपिड है, यानी कि वो आसानी से इस लिपिड बाय लेयर को क्या करेगा, क्रॉस करके एंट्री कर सकता है। तो यानी कि ये जो हार्मोन है, ये जो लिपिड नेचर का जो हार्मोन है, ये आसानी से इसके थ्रू क्रॉस कर लेगा। लेकिन यहाँ पर यह जो हार्मोन है, ये आसानी से ये जो हार्मोन है, यानी प्रोटीन का हार्मोन है या पेप्टाइड का है या अमीनो एसिड को, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसको कहाँ आना होगा, ये यहाँ आएगा और यहाँ से इधर इसके थ्रू इंटर करेगा, यही डिफरेंस होता है। अब इसके अंदर इंटर करने के लिए ये तो आसानी से इंटर कर लेगा, और जहां इसका रिसेप्टर मिलेगा वहां जाके बाइंड करके। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ हार्मोन का रिसेप्टर सेल के सरफेस पे होगा, तो सेल सरफेस पे बाइंड करेगा। कल एक यू शेप का इस तरह से आपको बना के मैं दिखाया था ना, वहां पे बाइंड किया। और कुछ हार्मोन का रिसेप्टर जो होगा वो सेल के अंदर होगा, तो सेल के अंदर रिसेप्टर वाले हार्मोन जो होंगे वो जनरली स्टेरॉयड हार्मोन होंगे। कैसे होंगे, स्टेरॉयड हार्मोन होंगे। क्यों, क्योंकि वो आसानी से लिपिड बाय लेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाएंगे। तो उनका रिसेप्टर या तो डीएनए पे होगा, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होगा, या फिर साइटोप्लाज्म में होगा, और वहां पे जाके बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद जो उनका एक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। अब समझ के बात को, जैसे जेई वाले अगर बैठना भी होगा आपके साथ, या तो केमिस्ट्री के लेक्चर में बैठ सकते हैं या फिर फिजिक्स के लेक्चर में बैठ सकते हैं, उनका तो बायो से कोई मतलब नहीं है। तो बायो मिक्सअप हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। आप जेई में या तो केमिस्ट्री के लिए जा सकते हो या तो फिजिक्स के लिए जा सकते हो, कि थोड़ी थोड़ी क्या है सिमिलैरिटीज है। लेकिन क्या आप मैथ के लेक्चर में उसमें जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। तो ये जो है ये आसानी से इसको क्रॉस करके अंदर आएगा, और ये बाइंड करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, या फिर न्यूक्लियस के अंदर को क्रॉस करके और जाकर के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसको बाइंड कर देगा, वहां पर उसके रिसेप्टर होंगे, या फिर साइटोप्लाज्म में ही होगा। और इसके जो रिसेप्टर होंगे वो जनरली कहां होगा, सेल सरफेस पे होगा, ठीक है। अब ये बात जब हो गई, तो ये मोड ऑफ मैकेनिज्म है। अब आपको कल मैंने बताया था कि जब एक हार्मोन रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो वो साइक्लिक चेंजेस करता है, और उसके साथ साथ कुछ अलग कंफर्मेशनल चेंजेस होते हैं, तब वो फिजियोलॉजिकल एक्शन को कंप्लीट करता है। तो पहले आप देखो कि आपको डायग्राम में लिखाया होगा बायोकेमिकल चेंजेस, यानी बायोकेमिकल प्रोसेस, देन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक। यानी वो बाइंड किया, उस तरह का केमिकल नेचर अपना दिखाया, देन आफ्टर वो क्या किया, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंप्लीट किया, समझ गए। तो ये एक मैसेंजर दूसरे मैसेंजर को कन्वर्ट करता है, जैसे साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन आया था, ठीक। तो वो कब आया, जब रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा तब साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन आएगा, वो बाइंड करेंगे, तब जाकर के वो बायोकेमिकल चेंजेज होगा उसमें, और वो फिजियोलॉजिकल एक्शन को कंप्लीट करेगा। समझ में आई बात, आपको स्कूल आने के पहले कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है, अपना टिफिन लेना है, टिफिन अगर नहीं भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्कूल आना है तो कम से कम बैग तो लोगे, तैयारी करोगे ना भाई, या बेड से उठे और गुड मॉर्निंग सर, इज इट पॉसिबल, नहीं ना। तो क्या करते हैं, उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, जो अच्छे कपड़े हैं साफ सुथरा पहनते हैं, देन आफ्टर मेंटली प्रिपेयर होकर अपना बैग लेते हैं, तब आते हैं, तब फ्रेश दिखाई देते हैं, देन आफ्टर नाउ यू आर रेडी फॉर द स्टडी। अब एकदम उठ के बैठ के आर यू रेडी फॉर द स्टडी, नो इट इज पॉसिबल नहीं। आपको थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट मेंटली ये लगता है, तब आप तैयार होते हैं, नाउ अब आप पूरी तरह से रेडी हैं स्टडी के लिए। उसी तरह जो हार्मोन आया है ये बाइंड करेगा, ये साइक्लिक चेंजेस करेगा, कुछ रिसेप्टर आके बाइंड करेंगे इसके साथ साइक्लिक एएमपी या कोई भी दूसरा कंपोनेंट, अब इसलिए एक्टिव होकर के रेडी होगा फिजियोलॉजिकल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ गई बात, चलेंगे अब आगे लिखेंगे।
लास्ट लाइन क्या दिखाया था? ये बताया था और जो होंगे सॉल्यूबल सारे वो आसानी से क्लॉक कर लेंगे। देखेंगे द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स varies from nature of hormone. Example जानेंगे receptor for insulin is less than 100, receptor for insulin less than 100, less than 100 for some liver cell, but their number may be more than 1 lakhs. लिखेंगे एमिनो एसिड कॉमा पेप्टाइड कॉमा प्रोटीन हार्मोन यानी एमिनो एसिड का हार्मोन या प्रोटीन का हार्मोन या पेप्टाइड का हार्मोन, तो उसका रिसेप्टर जनरली कहाँ होता है? सेल के सरफेस पे। Bind to a specific receptors located on plasma membrane to form hormone receptor complex. अब हेडिंग देंगे उसी में नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। The hormone receptor does not directly stimulate adenyl cyclase. Adenyl cyclase does not directly stimulate. It is done through G protein.
और जी प्रोटीन मतलब फॉर्म विद ब्रैकेट में कर दीजिए पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, it interconvert between GDP from GTP, it interconvert between GDP from GTP, GDP from GTP. अरे जीडीपी बनता है कहाँ से? जीडीपी से एडीपी से क्या बन रहा था? एडीपी उसी तरह जीडीपी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जीडीपी में वही लिखा है इंटर कन्वर्टल बिटवीन, जैसे एडीपी और एटीपी क्या इंटर कन्वर्टल है ना, एटीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में जब फॉस्फेट आके जुटा और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है यूटिलाइजेशन के बाद एडीपी में, तो उसी तरह जीडीपी कन्वर्ट होता है जीडीपी में और जीडीपी में अगर फॉस्फेट आके जुटेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में, तो जो काम एटीपी के रेस्पॉन्स में था वो जीटीपी के रेस्पॉन्स में हो रहा है। लिखेंगे लिखेंगे इन मसल और लीवर सेल, इन मसल और लीवर सेल adrenaline bind with receptor, bind with receptor to form complex, to form receptor complex that induces the release of GDP, that induces the release of GDP from G protein, induces the release of GDP and now G protein activate adenyl cyclase, and the activated adenyl cyclase catalyzes the formation of cyclic AMP, yani C small or AMP, cyclic AMP from ATP. Full stop dekhe. The hormone is called first messenger. And CMP is called, yani cyclic AMP is called second messenger. समझ गए? लिखेंगे मोड ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन,
मोड ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन। हाँ ये अलग मोड ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन। It can easily pass through lipid bilayer. It can easily pass through lipid bilayer. It can easily pass through lipid bilayer and in the cytoplasm and in the cytoplasm and in the cytoplasm they bind to and in the cytoplasm they bind to a specific intracellular receptors they bind to specific intracellular receptors The hormone receptor complex, the hormone receptor complex bind to a specific regulatory site. The hormone receptor complex bind to a specific regulatory site. Regulatory site. On the chromosome and activates certain gene the activated gene transcribe mRNA transcribe mRNA तीन तरह के आरएनए बताया था ना उसमें mRNA यस mRNA विच डायरेक्ट दी DIRECTH विच डायरेक्ट दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम We direct the synthesis of protein and enzymes. तो देखिए अब एक डायग्राम बनाइए
बताइए इसको। ये जो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है ये हार्मोन एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन एक स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जांपल है। कैसा हार्मोन है? स्टेरॉइड का केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन में हम लोग आएंगे तो देखेंगे। तो ये आसानी से लिपिड बाइलेयर को क्रॉस किया। अब आप सोचो कि लिप जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो कौन से सेल पे जाके एक्शन करेंगे? यहां पर जैसे हमने दिया यूटेराइन सेल में ब्रेक स्टेरॉइड हार्मोन तो सभी सेल के लिपिड बाइलेयर को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन वो मोड ऑफ एक्शन यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने के बाद ही क्यों दिखाएगा? क्रॉस तो सभी सेल के अंदर कर सकता है लेकिन उसके रिसेप्टर सभी जगह प्रेजेंट नहीं। अब समझ में आ रही है बात? लेकिन जो एमिनो एसिड हार्मोन है या प्रोटीन हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन वो सभी सेल के अंदर ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका रिसेप्टर जनरली कहां होता है? सेल के सरफेस पे। तो जिस सेल के सरफेस पे उसके रिसेप्टर होंगे उसके साथ बाइंड करके वो अंदर जाएगा, जहां नहीं होंगे उसमें नहीं जाएगा। लेकिन ये हार्मोन सभी सेल के अंदर आसानी से क्रॉस करके जा सकता है, लेकिन अपना एक्शन वही दिखाएगा जहां पर उसके रिसेप्टर होंगे। समझ में आ रही है बात? अब ये सेल जब क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आया और साइटोप्लाज्म में आने के बाद इसका अगर साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर है तो साइटोप्लाज्म में बाइंड कर जाएगा। अगर साइटोप्लाज्म के जगह न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के जितने भी मेम्ब्रेन है
चाहे जो प्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, हमने आपको इस बात पर बताया है केमिकल नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और मोड ऑफ एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो सब चीज सिमिलर होता है। डिफरेंस क्या हो सकते हैं? अभी आपने पढ़ लिया माइलिनेटेड नर्व न्यूरॉन में, तो हम माइलिन जो शीथ है वो क्या है? एस्फिंगोलिपिड है, बायोमोलिक्यूल की बात है। कौन सा लिपिड है? एस्फिंगोलिपिड यानी लिपिड है। तो वहां पर नर्व सेल का जो केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखोगे तो वहां पर लगभग 80% उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, सिर्फ 20% क्या होते हैं? प्रोटीन। लेकिन एक आरबीसी के सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखोगे तो लगभग 60% से ज्यादा प्रोटीन होता, 40% लिपिड। तो कंपोजिशन का परसेंटेज चेंज हो सकता है लेकिन कंपोजिशन का नेचर सेम होगा। समझाई बात? तो यहाँ से ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है और न्यूक्लियस के अंदर में इसका रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करके रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये बाइंड करने के बाद आपको मैंने लिखाया है कि ट्रांसक्राइब दी mRNA। अब उस सेंटेंस का पूरा मतलब किसी भी चीज का मेन जो पाथवे होता है, क्लास 12th में आपको मैं पढ़ाऊंगा मोलिकुलर बायोलॉजी, यानी पूरा डीएनए आरएनए और कैसे प्रोटीन हमारे सेल के अंदर बनता है वो पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि हमारे हर एक सेल के अंदर डीएनए है और डीएनए से क्या बनता है बेटा? एमआरएनए। और इस एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और यही खेल जो है पूरे सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। आखिर क्या वजह है कि आपने सोचा कभी कि क्या वजह है कि पैनक्रियास से ही इंसुलिन क्यों बनता है? सभी सेल से बन सकते थे, पैनक्रियास ही इंसुलिन को क्यों बनाता है ना? तो यस, उसके अंदर इंसुलिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन कैसे बनता है? एमआरएनए से। और एमआरएनए किससे बन के आता है? डीएनए से। तो उसके अंदर इंसुलिन बनाने वाला जो डीएनए है यानी उसे जीन कहते हैं, वह जीन एक्टिव है और बाकी सेल के अंदर वह जीन जो है वह इनएक्टिव है। यानी आप सोचो तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी के हर एक सेल में जो जीन का नेचर है यानी इस न्यूक्लियस के अंदर में जो डीएनए है सभी सेल के अंदर सेम होता है। जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन यानी जैसा जैसा जीन हमारे आपके सेल में है, हमारे स्किन के सेल में है या हमारे किडनी के सेल में है यानी नेफ्रॉन में जो जीन का कॉम्बिनेशन है वैसा ही इंसुलिन बनाने वाला पैनक्रियाज में है। लेकिन नेफ्रॉन जो है वो इंसुलिन नहीं बनाता है, क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है वह इनएक्टिव है और पैनक्रियाज में वह एक्टिव है। अब समझ में आ रही है बात? जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो किससे बनेंगे? तो वह एमआरएनए से। एमआरएनए किससे बन के आएगा? डीएनए से। तो अगर वो डीएनए का सेगमेंट, हर एक डीएनए का पार्ट एक पार्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और वही पार्ट को हम लोग जीन कहते हैं। जीन, जीनोम, डीएनए, ये सब डीएनए का ही अलग अलग जगह पे नाम है। अभी आप लोग इसके बाद पढ़ोगे, ठीक है, जेनेटिक्स पर मैडम पढ़ाएंगे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में आपको आएगा ट्रेट करके, जीनोम करके, जीन करके, ठीक है ना। अब क्रोमोजोम पढ़ लिया, तो क्रोमोजोम किससे बना है? डीएनए और प्रोटीन से बना है। तो क्रोमोसोम भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। उसमें आपने क्या पढ़ लिया? सेंट्रोमियर पढ़ा। तो सेंट्रोमियर भी क्या है? डीएनए का पार्ट है। उस पार्टिकुलर सीक्वेंस को ही क्या कह दिया? सेंट्रोमियर, टेलोमियर, है ना, सब डीएनए है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। थोड़े से क्या है, केमिकल नेचर सब सेम है, सब चीज एक जैसा है, बस उस पार्टिकुलर सेगमेंट को, पूरे पार्ट को अलग अलग नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल में जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है एकदम सिमिलर है। हमारा हर एक बॉडी का हर एक सेल इंसुलिन बना सकता है, तो बनाता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर वो इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है वो कैसा है? इनएक्टिव। कैसा है बेटा? इनएक्टिव। अब समझ के बात को, तो वो इनएक्टिव है इसलिए वो इंसुलिन नहीं बनाता और जहां पर एक्टिव है वहां पर क्या बन रहा है? इंसुलिन बन रहे हैं। अब आप सोचो कि सर सभी सेल के अंदर जो जीन है वो सेम कैसे है? अब एक सेल के अंदर टोटल जीन के कॉम्बिनेशन को जीनोम कहते हैं।
जैसे आप समझो कि आपके पास 500 रुपया है, आपके पैकेट में कितना है बताइए जल्दी, ₹500। इसमें से कुछ जो है 50 रुपीज का नोट है, यानी 50 की करेंसी है, कुछ जो है 10 की करेंसी है, और कुछ जो है वह 20 की करेंसी में है, ठीक। और कुछ क्या है, चिल्लर यानी कॉइन्स है, ठीक है। और सब जोड़ने के बाद अमाउंट कितना रहा है 500। उसी तरह हमारे इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर टोटल जो जीन का कॉम्बिनेशन है इस इज द 500, समझ के बात। अब उसमें से कुछ जो है, कुछ जीन जो है वह पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ जो है एंजाइम बना रहा है, कुछ जो है हार्मोन बना रहा है, कुछ जीन, ठीक है, और कुछ जो है वह कोई काम नहीं कर रहा है। यानी जैसे कोई काम का नहीं है, कहने का मतलब तो 5 पैसा 10 पैसे का है। अब मार्केट में 5 पैसा 10 पैसा चलता है क्या? नहीं ना। तो ये इसी तरह है, इनका यूज नहीं है, ठीक है। उनका रोल है वो आगे के लेसन में बताएंगे, ठीक है। बस हम लोग तो फिलहाल ये कोई प्रोटीन नहीं बना रहा, लेकिन है सेल है। और इन सभी सेट को मिला के हम लोग जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये जीनोम। जीनोम का मतलब याद रखो कि आपके पॉकेट में टोटल जो रुपया है वो क्या हुआ, जीनोम। द कंप्लीट सेट ऑफ जीन इन ए सेल इज कॉल्ड जीनोम। और उस जीनोम में बहुत सारे जीन हैं, और हर एक जीन अलग अलग काम करता है। जैसे उसमें से कोई एक जीन इंसुलिन बना रहा है, और वो जीन जहां जहां एक्टिवेट होगा वहां इंसुलिन बनेगा, जहां नहीं होगा वहां नहीं बनेगा। तो इस सेल के अंदर आया रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना, और ये एक्टिवेट किया किसको, डीएनए को। क्या करने के लिए? वैसा एमआरएनए बनाने के लिए। तो इस डीएनए से क्या बनेगा, ये जो डीएनए है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनने से डीएनए एक्टिव हुआ, यानी जीन एक्टिव हुआ, और ये बना दिया एमआरएनए, और इस एमआरएनए से बन गया या प्रोटीन, समझ गए। तो प्रोटीन या एंजाइम, अब जिसका यूज करके सेल क्या करेगा, जो काम करना है वो करेगा, ग्रेसिन फॉलिकल या ओवम को मैच्योर करना, ये जो भी करना है वो करेगा, समझ गए कैसे मोड ऑफ एक्शन हो रहा है इसका। तो इस तरह से ये सारा काम होता है। अभी भी कोई डाउट है? हाँ, उसका डायग्राम नहीं बनाया हूँ, लंबा डायग्राम है। तो वहां पर क्या बोला मैं, जी प्रोटीन क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन, जी प्रोटीन लिखाया हूँ मैं, पेरिफेरल प्रोटीन ब्रैकेट में कर दूं, ठीक। जी प्रोटीन के पास जब रिसेप्टर आता है बाइंड करता है, तो बाइंड कहाँ करेगा, रिसेप्टर के रूप में कौन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, जिसे जी प्रोटीन कह रहे हैं। तो रिसेप्टर और हार्मोन जब दोनों मिलते हैं तो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये पेरिफेरल प्रोटीन इंटरकन्वर्टिबल होते हैं किसके लिए, जीडीपी और जीटीपी के लिए। तो वो जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, जीडीपी, और जीडीपी क्या काम करता है, एक्टिवेट करता है एडिनाइन साइक्लेज। एडिनाइन साइक्लेज एएसी लास्ट में लगा है, तो क्या है वो, एंजाइम है। और एडिनाइन साइक्लेज में क्या कन्वर्ट करता है, एटीपी को साइक्लिक एएटी में, और तब जाकर के अंदर के फिजियोलॉजिकल यानी बायोकेमिकल चेंजेस स्टार्ट होंगे, और तब जाकर के उसका मोड ऑफ एक्शन कंप्लीट होगा। अब समझ में आई बात, डायग्राम दे दो इसका भी चल जाएगा, एनसीईआरटी वगैरह या ऐसा कुछ है नहीं, इसको बस समझाने के लिए वो आपको पूरा लिखा दिया, समझ गए। चलिए, हाँ, पहले आके रिसेप्टर पे बाइंड करके जो चेंजेस ला रहा है वो कौन है, हार्मोन आ रहा है, ठीक है। और हार्मोन आता है जी प्रोटीन यानी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो एक्टिवेट करता है, तो फाइनल एक्टिवेट कौन हो रहा है, एडिनाइन साइक्लेज हार्मोन। और उसमें वो एक्टिवेट होता है तो वो किसको कन्वर्ट करता है, एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी। और उसका नाम साइक्लिक क्यों पड़ा, सिंपल एएमपी बोल देते हैं हम लोग, साइक्लिक क्यों बोले, क्योंकि वो साइकिल को पूरा करवाता है। साइक्लिक एएमपी जो है सेल के अंदर के पार्ट को एक्टिवेट करेगा कि ये चीज आया है हमको ये काम कर, इसीलिए उसका नाम साइक्लिक, समझ गए।
इसी लिए साइक्लिक एएमपी को हम लोग सेकेंडरी मैसेंजर, क्योंकि वो फिर जाकर एक साइकिल को पूरा करवाएगा, और हार्मोन अगर के जी प्रोटीन पे बाइंड किया है तो वहां तक का एक काम हुआ, इसलिए उसको प्राइमरी मैसेंजर। अब समझ रहे हैं? ये है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। हार्मोन का केमिकल नेचर कैसा? जैसे कुछ हार्मोन जो होते हैं वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन पूरा नाम लिखेंगे आपको, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, ऐसे हमने ए लिख दिया है। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो है वो चार है, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है, और ये दो है, एक ट्रिप्टोफैन से है और एक टायरोसिन से है, और टायरोसिन वाले ये मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये दोनों हार्मोन जो है वो टायरोसिन डेरिवेटिव है ना, ये टायरोसिन से बने हुए। तो टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड है, ओके, तो ये टायरोसिन डेरिवेटिव है। और दो हार्मोन और है, ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव, देखो मैं नाम कौन हिसाब से पेल बज रही है समझ में नहीं आ रहा, बताना क्या चाहते हैं? हां, नहीं कुछ वैसा रहता तो चेंजेज आते हैं ना। हाँ, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, और नॉन इपिनेफ्रिन, ये जो दोनों होते हैं वो ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव होते हैं। ये ट्रिप्टोफैन से बने हुए, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन में आता है एडीएच, एंटी डायुरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन, उसके बाद प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में आता है आपका जनरली इंसुलिन का हार्मोन, ये सॉरी पैनक्रियाज का हार्मोन, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन और थायरॉइड थैलेमस हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन, कैल्सिट्रोल उसमें आएगा, थायरोकैल्सिट्रोनिक हार्मोन, पैराथायरॉइड। ये हो गए स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन में एल्फोस्टेरॉन, कैल्सिट्रॉल, कॉर्टिसोल, एंड्रोजेन, एंड्रोजेन,
टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। अब उसके बाद में आयोडीन डेरिवेटिव, आयोडीन डेरिवेटिव में कौन आया था? थायरोक्सिन आया था, ठीक है। तो T3 है, T4 थायरोक्सिन। अब एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। यानी फीडबैक कंट्रोल, हार्मोन कब कितना सीक्रेट होगा कितना नहीं, इसके लिए है फीडबैक कंट्रोल, वेडिंग देंगे फीडबैक कंट्रोल। हार्मोन रेगुलेशन या फीडबैक कंट्रोल, हार्मोन रेगुलेशन ऑनली फीडबैक कंट्रोल, हार्मोन रेगुलेशन ऑनली फीडबैक कंट्रोल। एग्जांपल के रूप में किसी भी एक को ले सकते हैं, जैसे मेन समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जब थायरोक्सिन का लेवल हाई हो, थायरोक्सिन का लेवल बढ़ गया, थायरोक्सिन आप जानते हो बीएमआर के लिए है, तो बॉडी में बीएमआर बढ़ जाएगा ना, उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा खर्च होंगे, ठीक है। तो बॉडी जो है वो क्या करता है, मैसेज भेजता है। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है, ये क्या करके थायरोक्सिन का लेवल जैसे ही हाई होगा, ये हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा। तो मैसेज कैसे देता है, ये हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और हाइपोथैलेमस के पास जाने के बाद में जब कंसंट्रेशन हाई होगा तो ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, ब्लड में ज्यादा होगा तो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले टीआरएच को इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा, टीआरएच, समझ रहे हैं बात को। मैसेज टू हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस क्या कर लेगा, यानी इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ टीआरएच। टीआरएच का सेक्रेशन क्या हुआ, कम, टीआरएच का सेक्रेशन अब कम हो जाएगा। तो जब टीआरएच कम निकलेगा तो पिट्यूटरी से क्या होगा, टीएसएच कम होगा, ठीक। तो टीआरएच का सेक्रेशन कम हो गया तो टीएसएच का सेक्रेशन से काम क्या होगा, कम, कहां से, पिट्यूटरी से, ठीक, फ्रॉम पिट्यूटरी। तो यानी ये आकर के पिट्यूटरी पे एक्शन दिखा दिया, और जब टीएसएच कम होगा तो थायराइड ग्लैंड से क्या होगा, थायरोक्सिन का सेक्रेशन कम हो गया, तो यहां से थायरोक्सिन का लेवल कम हो गया, समझ के बात को। ये हुआ
पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, ये क्या हो गया पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। अब दूसरा देख, जब सेम उल्टा, यानी जब हम क्या कह रहे हैं, अगर थायरोक्सिन का लेवल कम है तो ऑब्वियस बात है ये क्या करेगा, मैसेज देगा, मैसेज टू हाइपोथैलेमस एक्टिवेट टू सीक्रेट टीआरएच। अब टीआरएच का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, तो टीआरएच जाकर के सीक्रेट कराएगा ज्यादा क्वांटिटी में टीएसएच, और जब टीएसएच ज्यादा होगा तो थायरोक्सिन का सीक्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दिस इज नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, और इसी को नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में, ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव फीडबैक। ये हो गया पार्ट कंप्लीट, लेकिन इसके अलावा एक चीज और देता हूं, लॉकडाउन वगैरह जो होते हैं ना, उससे फायदा भी है नुकसान भी है आप लोगों के लिए, हमारे लिए कोई नुकसान कोई फायदा नहीं है, हमारे फायदा है कि हमें घर में रहने को, और एक नुकसान है कि टीवी को ज्यादा चलना पड़ेगा ठीक है, लेकिन आपका जो है ना, जो जिसको पढ़ने का टेंडेंसी है मन लगता है उसके लिए ज्यादा पैसा है। होता क्या है कि थोड़ा आने से आप रूटीन में बंधे रहते हैं, कभी भी टच मत छोड़िए, आज भी ट्वेल्थ वाले बच्चे टच में रहते हैं, जो बच्चा टच में रहा है हमारे, ना कि सिर्फ मेरे, सभी टीचर के टच में, अब हम फिजिक्स तो नहीं बता सकते हैं, हम केमिस्ट्री तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, तो जो जिसका एक्सपर्ट है वही बता सकता है, मेन बात ये है। और अगर कोई आपको शाबाशी के लिए बोले कि मैं तीनों बता सकता तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है, पहली बात ये है, ठीक है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको सही डायरेक्शन में काम या सही डायरेक्शन में आपको चीजें नहीं बता रहा, तो आपको उन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ दिमाग में रखो आप सिर्फ यहाँ 2 साल के लिए, एक बार आपका MBBS क्वालिफाई होगा ना और कॉल करोगे ना, 90% ऐसे लोग हैं जो आपका कॉल रिसीव करेंगे, लेकिन अगर एक बार आप क्वालिफाई नहीं किए और इसी तरह रह गए, ठीक है, आप अपने टीचर को भी कॉल करोगे ना, शायद वो 2 बार फोन आपका काट देंगे। दिस इज फैक्ट, ये अभी की जो सोसाइटी है, जो अभी का जो चल रहा है वो, तो
आपके लिए सिर्फ ये सोचो कि मुझे दो साल में क्या क्या चीज बेनिफिट दे सकता है, मेरा रिजल्ट कैसे हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं क्यों बोलता हूँ आपको कि सोना है नींद के लिए, जगना है नींद के लिए, खाना है नींद के लिए, कुछ भी करना पागल की तरह जुनून होना चाहिए। एकदम सिंपल, मेरा कुछ ऐसा ये नहीं बोलने का है, एकदम सिंपल। जैसे कोई लड़का प्यार में फंस करके सारा बर्बाद कर देता है, ठीक, तो वो क्या होता है, मेंटल टेंडेंसी होती है, जुनून होता है। तो अभी आपका जो प्यार है या कहें तो आपका जुनून है, वो सिर्फ क्या है, सिर्फ दो साल के लिए जुनून को पाल लो, उसके बाद इतना अच्छा कैरियर होगा कि दुनिया का हर बाप आपको अपनी बेटी देना चाहेगा, दुनिया का हर बैंक आपको अपना क्रेडिट कार्ड देना चाहेगा और हर कोई आपका फोन का वेट करेगा, ठीक है ना। तो आज भी सोसाइटी में एक डॉक्टर का जो रिस्पेक्ट है वो शायद एक इंजीनियर का भी नहीं, ठीक है ना। तो IIT से MTech करने के बाद भी हमारे खुद के दोस्त, हम लोग साथ के, मतलब क्लास 9 से साथ के, मेरा फ्रेंड IIT से MTech, फिर IIT कानपुर से ही PhD, ऑस्ट्रेलिया में प्रोजेक्ट 2, अमेरिका में न्यूयॉर्क में 2 यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप, 2 प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इतना सब चीज है। लेकिन आज भी जो मेन, अब कंपैरिजन करिए सेम कैलिबर वाले से, एक IIT का MTech है और एक एम्स का MD और DM बना, DM डॉक्टर PhD किया तो वो DM किया और दोनों का लेवल उठा के वो एक अपना हॉस्पिटल खोलेगा, वो तो हॉस्पिटल ही नहीं खोल सकता है, ठीक। और उसके बाद देखिए उसका पहचान और उसका सारा चीज, वो आज भी पढ़ा लिखा मजदूर की तरह काम करता है। इस यूनिवर्सिटी का ये प्रोजेक्ट है, उसमें ये रिसर्च करना है, उसके लिए वो जाते हैं, पैसा मिल जाता है, कभी कभी 2 महीना आप फ्री भी रहते हैं। दिस इज द बिग डिफरेंस। तो आपको पहले ये सोचना है कि आपको 2 साल के लिए करना क्या है। इसीलिए जब भी मौका मिले, ऋग्वेद को सबसे ज्यादा फायदा क्या मिला था कि जब लॉकडाउन हुआ था वो पर डे टेस्ट का मार्क्स देता था, कॉन्टेक्ट में था, कैसे पढ़ना है क्या करना है ये सोचता था। जिस दिन आप ये सोचते कि हमें सब आता है आपके, और जिस दिन सोचते कि सिर्फ मेरा काम इसी से चल जाएगा, इसी टीचर से चल जाएगा, इसी पेपर से चल जाएगा, उस दिन आप गए। लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया, रात दिन पढ़ाई थी, उसके मार्क्स कितने आते थे 11th में 490, 450, कभी कभी 400। एग्जाम के पहले सितंबर में एग्जाम हुआ था, मई में कितने आ रहे थे 510, फिर से 490, रोता था फोन पे भी रोता था। तो हम लोग सिर्फ जानते थे कि कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन रिजल्ट हमें भी नहीं पता था कि 651 है, ये फैक्ट पर हमें क्या किसी टीचर को नहीं पता। और वो क्यों आया, बिफोर 20 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कर दिया स्पीड, क्यों, इतना प्रैक्टिस घर पे रहा, कितना पढ़ा कि कुछ कहने का, सबका गाइडेंस उसका मेहनत, तो मेहनत आप ही का रहेगा, गाइडेंस हम। और 2 साल में आपका कोई अपना नहीं है, 2 साल के लिए आपका कोई पराया नहीं, ना तो आपको किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही आपको किसी से कोई पर्सनल दोस्ती है, ना आपका कोई फेवरेट टीचर है और ना आपका कोई डिसलाइक वाला टीचर है। सबसे बात कीजिए, सबसे अपनी कमियों को बताइए उस पेपर से रिगार्डिंग और उससे पूछिए कि कैसे मेरा क्या हो सकता है, चाहे वो बच्चा 300 लाने वाला हो, चाहे वो बच्चा 600 लाने वाला हो, 300 लाने वाला भी 600 जाएगा, और जो शुरू से 600 आया था यस गांगर वो अभी दोबारा रिपीट कर रहा है। तो कुछ लक भी होता है, मेन टाइम पे बीमार पड़ गया, सब चीज हो गया, तो नहीं तो वो शायद 700 क्रॉस करता, गारंटी 700 क्रॉस करता, लेकिन बार बार इतना बीमार पड़ा, इतना बीमार पड़ा, इतने कष्ट ये हुए, 650 तो वो टेस्ट में ले आता था क्लास के टेस्ट में। तो ये कोई नहीं कह सकते, बस आपका काम ईमानदारी से पढ़ने का और कुछ नहीं, उतना दिमाग में लेके चलिए कि कैसे पढ़ना है क्या करना है। एक लास्ट आपको एक चीज देना था, लिखेंगे लिखेंगे रोल ऑफ हार्मोन एज मैसेंजर
as messengers and regulators role of hormone and messenger and regulators, external stimuli, nervous system, external stimuli, hypothalamus, thyrotropic releasing hormone. बताता हूँ ये क्या है. thyrotropic releasing hormone. नए लेसन में बहुत इंटरेस्ट आता है आपको, बहुत अब अच्छा लगा होगा कि लेकिन खत्म हो गया. ट्वेल्थ में जाएंगे, ट्वेल्थ में जाएंगे जितने
जितना अच्छा लगता है नए लेसन में इंट्री करता हूँ उतना टफ होता है पुराने लेसन में, लेकिन आपको हमेशा फोकस करना है पुराने लेसन पे। रिलेशन का पोर्शन मेजर है बायो, तो आपको क्योंकि सारे मेन फिजियोलॉजी जो है वो सारा किसमें है, तो आप उसको कभी टच नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब भी बैठिए पर डे आधा घंटा ही सही, एक घंटा ही अपने डेली का निकालिए, एक दिन में बायो, एक दिन में फिजिक्स, एक दिन में केमिस्ट्री, पीछे के लेसन के रिवीजन समझ गए। तो चलो कल आज बायो किया है तो कल फिजिक्स कर लेंगे, उसके अगले दिन केमिस्ट्री कर लेंगे, इसका सिर्फ 11 और बाकी 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर डे का, और 11th का अगर कम समय मिल रहा है तो एक एक घंटे से, लेकिन कोई ना कोई एक पेपर का पुराने रिवीजन तो जरूर करें। स्ट्रैटेजी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सचिन तेंदुलकर को मैच खेलने इतने साल से आ रहा है लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है, स्ट्रैटेजी कैप्टन बनाता है कि नहीं बनाता है, तो कैप्टन को हमेशा स्ट्रैटेजी बनानी होती है, कोई काम स्ट्रैटेजी से ही होता है। इस दीवार को तोड़ना है और आप पेंसिल लेके आओगे कैसे तोड़ना है आप नॉलेज, ये क्या हुआ स्ट्रैटेजी हुआ, इतने बड़े बिल्डिंग को तोड़ना है तो हथौड़ा लेके आओगे, क्या लेके आएंगे जैसे, तो दिस इज द प्लानिंग, आपको कैसे करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसी के साथ ही आपको चलना है। अब यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब बॉडी में डिमांड बढ़ेगा, तो वो क्या हुआ एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी बॉडी को जैसा टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए ठीक है क्या करना होगा, थायरॉइड की जरूरत है, तो पड़ेगी टेम्परेचर घट गया यानी हीट को प्रोडक्शन कराना है, तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा करना, उसके लिए किसकी डिमांड बढ़ेगी थायरॉइड की, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई किस पे इफेक्ट देता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ है नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, तो ये क्या करेगा ये रिलीज करेगा जिस हार्मोन की जरूरत है उसको सिक्रेट कराने का, तो मैक्सिमम हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं पिट्यूटरी से ठीक, तो ये पिट्यूटरी को जैसे थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच आएगा और क्या करेगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट कराएगा किसको टीएसएच को, टीएसएच निकला तो थायरॉइड ग्लैंड पे गया, थायरॉइड ग्लैंड से क्या आ गया थायरोक्रीन, जैसे ही थायरोक्रीन का कंसंट्रेशन सफिशियंट होगा ये इधर मैसेज दे देगा किसके लिए ड्रॉप कर देगा समझ गए, और साथ ही साथ पिट्यूटरी को भी चला जाएगा, तो पिट्यूटरी भी कम करेगा हाइपोथैलेमस से कम होगा तो ऑटोमेटिकली किससे पिट्यूटरी से कम हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए कि जब टीएसएच का भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, टीएसएच ज्यादा हुआ उतने की जरूरत टीएसएच की नहीं है, तो टीएसएच ज्यादा हुआ तो ये भी क्या देगा इनहिबिटरी इफेक्ट दे देगा किसको हाइपोथैलेमस, तो एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के सेग्रेशन के लिए इनहिबिटरी एक्शन रोल प्ले करता है, जैसे अभी तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में मैंने बताया है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ टीएसएच, तो इनहिबिशन का काम कर रहा है, उसी तरह टीएसएच का ज्यादा होगा तो इनहिबिट करेगा किसको हाइपोथैलेमस से टीआरएच के सेक्रेशन, तो ये पूरा का पूरा इनहिबिटरी एक्शन इस तरह से चलता है समझ गए। ये कंप्लीट हुआ लेसन आपका, इसके बाद आप सीट को सॉल्व करेंगे फटाफट जितना ज्यादा हो सके, और देन आफ्टर आपको जो मेजर टेस्ट है 12th को, 12th के बाद में 17th को, तो 5 दिन का गैप मिलेगा, 5 दिन में आपको 2 दिन या 3 दिन मिनिमम 3 दिन तो 2 दिन या मिनिमम 3 दिन तो आपको देना है। अब किसी का मॉर्फो ज्यादा अच्छा होगा, किसी को एनाटॉमी ज्यादा अच्छा होगा, तो जिसका मॉर्फोलॉजी और प्लांट ज्यादा अच्छा है वो एनाटॉमी को ज्यादा 3 दिन देगा ठीक, और जिसका एनाटॉमी अच्छा है तो वो मॉर्फोलॉजी को 3 दिन देगा, 3 दिन से ज्यादा नहीं ठीक, एक पेपर एक टॉपिक को 3 दिन और दूसरे टॉपिक को 2 दिन, 5 दिन में सारा सीट सॉल्व करके पूरा रिवीजन करके कंप्लीट कर देना है। सोचेंगे सर ये तो 1 घंटे में हो जाएगा, सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं है ना, सिर्फ बायो नहीं है ना, उसी 3 दिन के गैप में आपको फिजिक्स भी करना है केमिस्ट्री भी करना है, तो इसीलिए समझ में आई बात। चलिए कुछ खाना भी लेके आए हैं नहीं लेके नहीं आए गुरु जी के लिए नहीं लेके नहीं आए आज चप्पल लाए नहीं किस तरह हाँ केला के लाव नहीं है टिफिन में इतना लाव नहीं
महान लालची गुरु Gracias.